दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में बेकाबू हो रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रोजाना रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज हो रहे हैं। साथ ही कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए नए नए तरीके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि इसको अपनाने से कोरोना नहीं होगा या फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज जल्द ही रिकवर करने लगेगा। ऐसे में अब नए नए पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावे किए गए हैं कि चाय पीने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। सोशल मीडिया पर तैर रहे इस पोस्ट को PIB फैक्ट चेक ने फैक्ट बताया है। ये खबर फर्जी है। PIB फैक्ट ने ट्वीट करके बताया कि एक खबर में दावा किया जा रहा है कि चाय पीने से कोरोना वायरस से संक्रमण को रोका जा सकता है और इससे संक्रमित व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो सकता है। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि चाय के सेवन करने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। चाय वाले वायरल पोस्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के विख्यात न्यूज चैनल CNN के अनुसार चीन के विख्यात कोरोना वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर विल्लिंग ने अपनी मृत्यु के पहले कहा कि ये तीन केमिकल कोरोना वायरस को मार सकते हैं और ये तीनों केमिकल चाय में पाए जाते हैं, इसलिए कोई भी इंसान दिन में 3 कप चाय पीते हैं तो वे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होंगे, अथवा यदि कोई संक्रमित व्यक्ति चाय पीते हैं तो कुछ ही दिनों में वो संक्रमण मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस की भयानक स्थिति है और इस स्थिति में ऐसे फेक पोस्ट शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही बिना किसी आधिकारिक जानकारी के ना विश्वास करना चाहिए और ना ही किसी को उसके अपनाने की सलाह देनी चाहिए।